हाय एवरीवन, मैं हूं सिटी पाई सुपर कैट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी से अनाउंस होने वाली है। बच्चे फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए करियर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से आपके लिए कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है। तो ये वीडियो एक क्विक गाइड है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग के दौरान कौन से ऐसे बेस्ट कोर्स एंड कॉलेजेस है जो कि आपको अपनी विशलिस्ट के अंदर रखने ही रखने हैं। देखिए, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आप लोग अपना एक कोर्स डालते हैं और एक यूनिवर्सिटी डालते हैं कि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए ये आपको अभी से पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट। तैयारी तो बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। यही तो एक टर्निंग पॉइंट होता है, करियर डिसाइडिंग पॉइंट यही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये कोर्सेज सीयूटी फॉर्म फिलिंग में जरूर से जरूर आपको फिल करने हैं, एंड विद प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड विद कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ, कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, कौन से कॉलेज या कोर्स आपको चूज करने हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कोर्स से। तो सबसे पहला कोर्स है हमारा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। देखिए, जो भी आप कोर्स फिल करना चाहे बिल्कुल करें, लेकिन जो कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस टू अदर डोमेन, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखना कि आप इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर मैं टॉप कॉलेजेस और उनके सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, एसआरसीसी, किरोरीमल, रामजस कॉलेज, एलएसआर, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन, ये वीमेन कॉलेज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसकी सीट मैट्रिक्स है। सबसे ज्यादा सीट आपको यहाँ पर एसआरसीसी में देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट प्लेसमेंट तो एलएसआर, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन। अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है जहां पर ये देखा गया है कि 48,90,000 का पैकेज देखा गया है साल का। इसका मतलब अगर मैं महीने की इनकम की बात करूं किसी बच्चे की जिसका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर प्लेसमेंट लगा है, वो है 4,07,500 रुपया पर मंथ। बहुत बड़ा अमाउंट है, लाइफ और करियर सेट है। करियर की बात करें तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हैं, फाइनेंस एंड बजट एनालिस्ट आप बन सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के बाद ढेरों सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसका हाईएस्ट पैकेज गया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं बात करूं इसकी कट ऑफ की तो देखिए, एसआरसीसी के लिए इसका जो कट ऑफ है 755 से 770 के आसपास देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ 800। और अगर आप टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 760 से लेकर 780, 790 विल बी द सेफर स्कोर आउट ऑफ 800। अगर हम बात करें आगे, बीकॉम ऑनर्स हमारा सबका चहेता कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि टॉप टू में रहा है लास्ट ईयर भी हाईएस्ट प्रीफर कॉलेजेस में। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं हाईएस्ट प्रीफर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी की बात करूं तो लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी और टू अदर डोमेन, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जस्ट चेक कि आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोरीमल, रामजस, श्री वेंकटेश्वर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये इनकी सीट मैसेजेस है जहां पर आप देख पाएंगे। एसआरसीसी में सबसे ज्यादा सीटें देखने के लिए मिलती है। एसआरसीसी को मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक आईआईटी का कॉलेज भी कहा जाता है, मतलब उनके लिए एक आईआईटी है। ये एक सबसे बड़ा कॉलेज है कॉमर्स का, सबसे बेहतरीन कॉलेज है हमारे इंडिया में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट प्लेसमेंट की तो 35,00,000 रुपए साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा गया, मतलब 2,91,666 रुपए महीने का। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात है एसआरसीसी में प्लेसमेंट। करियर की बात करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, और इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, या डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, या फिर आप बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, आपकी लिस्ट में जरूर से जरूर होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं इसके मतलब क्या कट ऑफ के बारे में, तो देखिए एसआरसीसी में इसका कट ऑफ 780 से लेकर 785 के आसपास जाता है आउट ऑफ 800। मतलब पिछली बार 782 देखा गया, फिर उससे अगली बार ये 780 गया, तो मुझे बोलना पड़ेगा 780 से 790 विल बी द सेफर स्कोर फॉर यू गाइस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बीबीए, एफआईए, बीएमएस या फिर बीबीई, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट वाले कोर्सेज जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या तो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट, इस तरीके से इसका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर बनता है 200 और 200, 400, 650। सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज टॉप का कॉलेज है पूरे एशिया के अंदर बीबीए के लिए, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर सीटें भी आपको 113 देखने के लिए मिलती है। सहित राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वीमेन, इसके अंदर आपको 58 सीटें देखने के लिए मिलती है, ये बीबीए के हैं। अगर हम बात करें बीएमएस के
तो सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ओकेशा महाविद्यालय, ये बीएमएस के कॉलेजेस हैं। सीट मैट्रिसेस आपके सामने है। हाईएस्ट प्लेसमेंट अगेन सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से गया है, इसके आप फोटो भी देख सकते हैं, ये रही। और 44,45,000 रुपए साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा गया है, मतलब अगर मैं मंथ की बात करूं तो 3,70,416 रुपया उस बच्चे को मिल रहे थे फर्स्ट प्लेसमेंट में ही, मतलब पहले महीने के अंदर ही जब उस बच्चे को प्लेसमेंट लगा। अगर आप करियर की बात करें तो बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स के बाद, तो आप यहां पर देख पाएंगे। चाहे आप बीकॉम वाले सेक्टर की बात कर लीजिए, बीकॉम ऑनर्स वाले सेक्टर की बात कर लीजिए, वो तो है ही, साथ साथ बिजनेस, बिजनेस डेवलपमेंट में, बिजनेस एनालिस्ट में, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने में, ये सब ये बीबीए बहुत कारगर है। उसके अलावा टैक्स ऑडिटर हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, क्योंकि ये क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, FIA, यही है। तो आप देख पाएंगे फाइनेंस कंट्रोलर, अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीकॉम प्रोग्राम की, तो एलिजिबिलिटी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, ये हाईएस्ट प्रिफर कोर्स रहता है हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर लास्ट ईयर लगभग 72,600 के आसपास प्रेफरेंस आई थी। अगर मैं बात करूं इसकी सीट मैट्रिसेस की, तो रामजस कॉलेज, किरोरी मॉल, श्री वेंकटेश्वर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज, कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, और में ये सीटें हैं 93, 106, 115, 171, 192, 193। रामजस कॉलेज हैज ऑलवेज बीन द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर द बीकॉम प्रोग्राम, और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज देखा गया 19,25,000 रुपए साल का, मतलब 1,60,416। और बात करें तो इसके करियर प्लेसमेंट भी कुछ बीकॉम ऑनर्स जैसे ही देखने के लिए आपको मिलते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीबीए एफआईए करते हैं, बीएमएस करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करते हैं। इसके बाद जो कोर्स आता है निकलकर, वो आता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, एलिजिबिलिटी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपको लेने हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। टॉप कॉलेजेस एंड सीट मैट्रिक्स की अगर आप बात करें, जैसे ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप बोलते हैं तो फिर हिंदू कॉलेज आपके मुंह पर आता है। तो हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज, देखिए ये इसकी सीट मैट्रिक्स है। और हम बात करें हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो 36,50,000 रुपए साल का, मतलब 3,04,166 रुपए बच्चे को मिल रहे थे आफ्टर दी प्लेसमेंट हिंदू कॉलेज से। अगर आप बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की, तो सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे पहली जो दिलो चाह होती है बच्चे की आफ्टर दी यू नो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दी हिंदू कॉलेज या बड़े कॉलेज से, किरोरीमल से या फिर रामजस कॉलेज से, तो उनकी पहली चाह होती है सिविल सर्विसेज में जाना, यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्रैक करना और एक अच्छी अधिकारी लेवल की जॉब लेना। तो यहाँ पर बैंक मैनेजर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट, पब्लिक ओपिनियन एनालिस्ट और सोशल वर्कर, इन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं, तो देखिए हिंदू कॉलेज के लिए सबसे तगड़ा कट ऑफ जाता है 795.086 वाज दी कट ऑफ आउट ऑफ 800, फिर उसके बाद 790 गया 2022-2023 में। तो मेरे हिसाब से 780 या 775 से लेकर 775 से लेकर आपको 790-795 स्कोर करके आना जरूरी है सीयूटी एग्जाम के अंदर। देखिए इसका मैंने नहीं बताया था, बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो रामजस कॉलेज के लिए 800 में से 770 के आसपास, 780 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। फिर से आप ये वाला बीबीए वाला भी रह गया था, बीबीए की अगर हम बात करें तो देखिए 600-650 का ये मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसका आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अराउंड 580 से लेकर 620, तो ये आपका सेफर स्कोर है, सेफर स्कोर भी मैंने बता दिया। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, जो अगेन मोस्ट इन डिमांड 5 टॉप 5 कोर्सेज में रहता है आफ्टर दी सीयूटी एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। टॉप कॉलेज एंड सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, किरोरीमल, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज में आप यहाँ देख पाएंगे सबसे कम सीटें हैं, 30 सीटें हैं, लेकिन बच्चे जो है उतने ही अप्लाई करते हैं, लगभग 44,45,40,000 के आसपास। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए सबसे तगड़ी फाइट होती है एक सीट के लिए, मतलब 1100-1200 स्टूडेंट फाइट करते हैं फॉर अ वन सीट। तो सेंट स्टीफन कॉलेज का इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा जाता है, सेंट स्टीफन कॉलेज में सीट जो है थोड़ी कम है, लेकिन जो बच्चे अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि करियर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छी रेपुटेशन है कॉलेज की, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप 5 या 6 कॉलेजेस के अंदर आता है। तो इस वजह से
बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और पर सीट कंपटीशन ज्यादा देखा जाता है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट हिंदू कॉलेज से अगेन 36.5 लाख रुपए साल का देखा गया है, 3,04,166 रुपए महीना। अगर इसकी हम बात करें करियर और करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो म्यूजियम क्यूरेटर्स, हिस्ट्री टीचर्स आप बन सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, चैरिटी ऑफिसर, चार्टेड ऑफिसर, अकाउंटेंट, या फिर आप मैनेजर्स भी बन सकते हैं किसी भी एडटेक कंपनीज या फिर कोई स्टार्टअप कंपनीज के अंदर। तो गाइस अगर लास्ट का कोर्स ही निकल कर आता है बीटेक आईटी एंड एमआई, जो कि आपको जरूर से जरूर चूज करना चाहिए इन केस अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, चेक कर लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, टॉप कॉलेज एंड सीट मैट्रिक्स की बात करें तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बीटेक आईटी आफ्टर दिस यूटी एग्जामिनेशन, और 50 इसके अंदर सीटें हैं। अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, तो 31 लाख रुपए साल का देखा गया, मतलब 2,58,333। और आप जानते ही हैं कि बीटेक आईटी अगर आप कर सकते हैं तो आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, इनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश भी आप अपनी चॉइस में जरूर रखिएगा, वो शायद मैंने नहीं रखा है यहाँ पर, हाँ तो बी ऑनर्स इंग्लिश और रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको सीयूटी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूर से जरूर फिल करने हैं विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे आप यहाँ पर कोर्स लिखेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस। अगर आपको कोई क्वेरी है कि कौन से कॉलेज की या कौन से उसकी कट ऑफ आप जानना चाहते हैं, जैसे बीटेक की बात करें तो 580 से या 570 से लेकर 630 मुझे लगता है आउट ऑफ 650, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो, और ज्वाइन दी सीयूटी बाई सुपरगैट टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सीयूटी बाई सुपरगैट भी सर्च कर सकते हैं टू गेट दी पीडीएफ एंड अपडेट्स रिलेटेड टू दी सीयूटी एग्जामिनेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।